सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते ही घंटे को दबाए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। नोकिया एक टेक्नोलॉजी से भरकर एक ऐसा धातु स्मार्टफोन नोकिया जल्दी ही मार्केट में ला सकता है जिसकी कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकेशंस एकदम हैरान कर देने वाली है। आईफोन, सैमसंग व वन प्लस जैसी बड़े बड़े स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज को पीछे लाने में ये स्मार्टफोन एक बड़ी हाथ या बड़ी टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन आप लोग कह सकते हो, जिसकी कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन आप लोग जानना इस कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन के बारे में बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना यार। बढ़ेंगे इस स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस से। 5400 mAh की एक वेरी ह्यूज प्लस वेरी बिग बैटरी पिकअप इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा, जिसको चार्ज करने के लिए 65 वोल्ट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है। और USB टाइप सी पोर्ट के साथ 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाएगा, जिसकी कैमरा क्लैरिटी 248 MP की एकदम हाई रन कर देने वाली है। और मेन कैमरा हो गया तो बाकी 8 सेंसर जो बैक साइड में दिया गया है, जो इतना एनहांस्ड आपको इमेजेस देगा कि एक DSLR कैमरा ही शायद आपको दे सकता है। और इसकी ड्यूअल LED फ्लैश की ऑप्शन इतने बड़े है कि चाहे कितना भी ब्लैक रह जाने दो, आपको एक जबरदस्त फोटो दे देगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 48 MP की दुनिया की पहली सेल्फी स्नैपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 की प्रोसेसर इसमें देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे खास बात, ड्यूअल रैम स्मार्टफोन होगा, एक होगा 12 GB और एक इसमें एडिशनल 4 GB का रैम इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है। और ये अवेलेबल 3 वेरिएंट के साथ हो जाएगा, जो मैं आपको सिर्फ हायर वेरिएंट का बताया हूँ, बाकी 6 GB और 8 GB मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज हायर वेरिएंट की बात करें तो 1 TB इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मदद से स्क्रीन और बैक की प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.8 इंच की सुपर एमोलेड क्वाड HD+ स्मार्टफोन की स्क्रीन होगी, तो ये 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आएगा। तो ये थे स्मार्टफोन की शॉर्ट और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।